अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक मे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। पाकिस्तानी करंटली नंबर वन ड्रामा मायरी के बिहाइंड द सीन्स आप इस वीडियो में देख सकेंगे कि ये लोग सेट पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि हीरोइन की एज रियल में भी 14 है और हीरो की एज 19 है, तो इनका आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका है, इनकी फ्रेंडशिप आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी है। दरख के साथ खड़ा हो जाओ, गुलाब खान का बीवी है तुम। अपने आप को गुलाब खान बोल रहा था। गुलाब खान ये मैं तो सेंड कर देता हूँ, क्या हो गया विशन भाई? व्हाट इज दैट? हां व्हाट इज दैट? ये सही है भाई, इसने 14 साल की उम्र में अपना करियर बना लिया, तू बस 22 साल की उम्र में ना इसकी मीम बनाता रहे। हमारे सेट पे एक अदद इंसान है, उनका नाम हुरैब है, वो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। ही झूठ बोल रही है, इसका तो अब मेरा मेकअप करते नहीं है क्योंकि ही इज वेरी वेरी ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम। मेरे लिए टाइम ही नहीं है इनके पास। हां मैं तुम्हें बोलता अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट, इस ड्रामे के बाद मैं हूं तुम्हारा पर्सनल। पक्का डन हो गया। इस ड्रामे में फैमिली पॉलिटिक्स है और सबसे बढ़कर इस ड्रामे में अवेयरनेस है। ऐना और समर छोटी ही उम्र के हैं। लोगों का कहना है कि ऐना सिर्फ 14 साल की नहीं लगती, इवन के जब ये बेबी बाजी ड्रामे में भी आई थी तब ये कहती थी कि मैं 13 साल की हूँ, तब भी लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। अगर हम फाखर यानी समर की बात करें तो उनका ये कहना है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। 11 साल बाद इनको एक प्रोजेक्ट मिला, इससे पहले सिर्फ कमर्शल्स ही मिलती थी। 50+ कमर्शल्स करने के बाद, काफ़ी ऑडिशंस देने के बाद इनको लीड रोल मिला जो के सुपर हिट जा रहा है इस टाइम। समर इस वक्त बुलंदियों को छू रहे हैं, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पे इनके 2 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया।